जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप तो खैर ऑफियस से होंगे। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स। हम किस तरह डू फॉलो लिंक्स की आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह हम नो फॉलो लिंक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लाइक कोई भी आप आर्टिकल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये आर्टिकल ओपन किया। इसके अंदर आपने अब लिंक्स देखने हैं कि लिंक्स कहाँ पे लगे, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए ये लिंक्स लगा हुआ, ठीक है। लैक्टेशन कुकीज सिंगापुर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे जो नीचे ये आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट पर आपने क्लिक करना है, राइट। जब आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, तो आपने इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को, ये जो ब्लू लाइन शेड में शो हो रहा है, इसमें आपने देखना है। यहाँ पे जहाँ लिखा है ना AHREF, यहाँ पे वो लाइन्स आ रही हैं। यहाँ पे आपने देखना है, अगर यहाँ पे लिखा हो नो फॉलो तो वो फिर वो वाला लिंक्स नो फॉलो होगा। अगर नो फॉलो के अलावा कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब है वो लिंक्स डू फॉलो है। ये बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है। इसको आप कोई भी लिंक है, अगर आप देखिए कोई और लिंक्स हम चेक कर लेते हैं सिंपल। ये देखिए यहाँ पे हम इंस्पेक्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये लिंक्स ओपन हो गए। यहाँ पे आप देखें रेल के आगे कहीं नो फॉलो लिखा हुआ है, अगर तो नो फॉलो लिखा है तो ये जो लिंक्स है वो नो फॉलो होगा, वरना ये लिंक्स डू फॉलो है। अब मैं आपको बताता हूँ ये डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स आखिर होते क्या हैं। ये देखिए अगर आप कोई लिंक्स लगवा रहे हैं तो गूगल उसको आके पढ़ता है, ठीक है। सर्च इंजन उसको आके देखता है कि ये आया किस तरह का लिंक लगा हुआ है। अगर वो लिंक नो फॉलो हो तो गूगल आगे नहीं जाता, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर करता है, जिससे अथॉरिटी जनरेट होती है, वो डू फॉलो लिंक्स होता है। मोस्टली क्लाइंट्स जब भी आपसे आके कोई काम करवाएंगे, गैस प्रोसेसिंग का काम देंगे, तो वो आपको पूछेंगे कि आप कौन से लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डू फॉलो हैं या नो फॉलो हैं। और इसके अलावा जो डू फॉलो लिंक्स को ही क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं, नो फॉलो को अभी तक तो मैंने जितने भी काम किए हैं आज तक मैंने कोई नो फॉलो का लिंक्स का काम नहीं किया। अगर कोई नो फॉलो लिंक्स का साइट ना दे रही हो, नो फॉलो लिंक्स हो, तो वो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या उसके पैसे पे नहीं करते। तो बात यह है कि अगर डू फॉलो है तब उसको गूगल अथॉरिटी देगी, गूगल उसको आके रीड आउट करेगा, पढ़ेगा। और देखिए आप लफ्ज़ ही आप इसको समझ सकते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। नो का मतलब नहीं कि गूगल को आप जो खुद कह रहे हैं कि आप इसको नहीं पढ़ें तो उसकी कैसे अथॉरिटी जनरेट होगी, लेकिन होगा कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू है। बट जो डू फॉलो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि गूगल उसको पढ़ता है और उस लिंक पर क्लिक करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी अथॉरिटी जनरेट होगी। तो जी दोस्तों, ये डू फॉलो और नो फॉलो का बड़ा बेसिक सा इंट्रो था, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अगर फिर भी कुछ दोस्तों को, कई लोगों को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा उनको गाइड कर लूँगा। जज़ाकअल्लाह।